दिया गया, 250-250 लाठियां मुझे एक बार मारी, 3-3 बार मुझे जानवरों की तरफ मारा गया, मैंने सब सहा, मैंने बाहर आके आपसे नहीं कहा, क्योंकि वो लड़ाई मैं, आपने मुझे धक्का नहीं दिया था, मैंने वो लड़ाई स्वीकार की थी कि आज मेरी जरूरत, मैं वापस आया फिर वहीं गया, पूरे देश में घूम घूम के मैंने लोगों से कहा कि खड़े हो जाओ ये मौका है। आज वो मुसलमान जिसने इस देश को आजादी के समय सींचा, 52,000 लोगों ने कुर्बानियां दी, मैं वहां से आता हूँ जहां से देश में तुफान तहरीक चली जिसने अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए, मैं उस जगह से आता हूँ, उस मिट्टी से आता हूँ देवबंद सहारनपुर की, तो मैंने लोगों से कहा खड़े हो जाओ, आज ये आपकी तरफ देख रहे हैं आंखें फैला के कि भाई कोई हमारे साथ भी है नहीं, मैं जिस हैसियत में था मैं खड़ा हुआ, मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला हो, मौलाना साद का मामला, जामिया मरकज का मामला हो, जब तबलीगी जमात के लोगों को डिटेंशन सेंटर भर दिया गया और कोई किसी को छूने को राजी था, तब मैं गली गली का पर्चे लेके घुमा डीएम के द्वारा किसी पास, कभी बागपत, कभी मेरठ, इन्हें छोड़ दो यार, इनका क्या ताल्लुक है तुमसे, अपनी सियासी मसलों को करने के लिए इनको कहीं को फंसाना चाहते हो यार, इनको छोड़ो, ये अपने देश में जाएंगे, वहां जाके क्या कहेंगे, भारत में क्या होता है मुसलमानों के साथ, जब अल्ताफ का मामला आया कासगंज का, जब नासिर जुनैद का मामला, जब अखलाक का मामला, जब पहलू का मामला आया, जब नजीब का मामला आया, मैंने हर लड़ाई को लड़ा, जब जहाँ नेटोर में मैं जेल से आया सलमान के घर गया, सलमान के घर गया, उनके आंसू पूछने के लिए, लोग डर रहे थे कि पुलिस खा जाएगी, भाई खा जाएगी पुलिस, अभी कौन सा जिंदा आया, अगर अपने लोगों की मदद नहीं कर सकते फिर खाए की जिंदगी, तो मैंने तो हर लड़ाई लड़ी और आज भी लड़ रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपसे मदद मांगने आया, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, मैं आपकी कमजोर आवाज हूँ या मजबूत हूँ, इसको मजबूत करना है कमजोर करना है ये आपके हाथ में, अगर आप इस आवाज को दफन करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अगर आप इस आवाज को ताकत देना चाहते हो तो फिर साजिशों में मत आओ साजिशों में, एक मौका चंद्रशेखर आजाद को दो, अगर आपका अकेला चंद्रशेखर आजाद 100 एमपीओ में भारी ना पड़ा तो आप कह देना चंद्रशेखर आजाद नेता ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद के बाद अगर आपको उत्तर प्रदेश में या देश में किसी दूसरे नेता की जरूरत पड़ गई किसी भी मसले में तो मेरा गिरवान आकर पकड़ लेना, वरना फिर हिम्मत दिखाओ, डरो मत, घबराओ मत, फिर किसी के चक्कर में बताओ, किसी बातों में बताओ, फिर सहारा दो, गाड़ी चल पड़ी है, आप जानते हो, पता करा के देख लो, चुनाव जीतने के समीकरणों की जरूरत है नहीं है, आप बताओ, आप कहीं जाके पता कर लो, आपने 100 फोन करोगे ना अपने फोन से तो 90 लोग पलट के कहेंगे कि हमारे यहाँ चंद्रशेखर आजाद को दे रहे हैं सब लोग वोट, आप पता करा के देख लो, कहीं पता करा के देख लो मेरी बात, अगर तो जब सब लोग मुझे वोट दे रहे तो फिर अपनी वोट किसी झंडे के चक्कर में क्यों खराब कर रहे हो भाई, सोचा किसी साजिशों का शिकार होकर मैं एक वोट से पीछे रह भी गया तो फिर क्या करोगे, फिर 5 साल तक इंतजार करोगे, मैंने सबकी मदद की, सबसे कहा कि यार मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरी मदद करा दो, मैं 120 से लड़ रहा हूँ, क्योंकि कल मेरे लोगों पर जुल्म होता है, कोई बोलता ही नहीं, मेरे लोगों को जेल में ठूंठा जाता है, उनको लाठी मार जाता है, करंट लगाया जाता है, उनको उनके घर में बुलडोजर चलता है, कोई बोलता नहीं, यार मैं भी जहाँ चलूंगा अपने लोगों की आवाज बनाऊंगा उठाऊंगा, तो मुझे रोकने के लिए इतने षड्यंत्र कर रहे, मैं सुबह इसलिए लेट हुआ, मैं आपके प्रोग्राम में टाइम से आता और उससे करता माइक से प्रोग्राम, लेकिन सुबह सुरक्षा वाले वो सिक्योरिटी एजेंसी हमारे यहाँ आ गई, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई बताओ, मैंने कहा ऐसा अचानक क्या हुआ भाई, लाइट बंद करो मेरी आंखों में, मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ अचानक से कि भाई मेरी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, भाई मेरे ऐसा हो ना गलत संदेश चला जाए तो मेरा नुकसान हो जाए, चुनाव में नुकसान, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 1.5 साल हो गए मुझे धक्के खाते रहे, गोली खाते मेहनत कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे पूरे कागज दिखाए, उन्होंने कहा देखो भाई हमारी आपकी कोई वो नहीं और हमें कोई मतलब नहीं किससे क्या है, लेकिन हमें पता है ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, आपकी जान का खतरा और इमरजेंसी थ्रेट है, कभी भी आप पे हमला हो सकता है, आपकी जान, आपको जान का खतरा है, इसलिए हम लेके आप लिख के दे दो, ये आपको जरूरत नहीं, तो फिर आपके साथ जो होगा आप जिम्मेदार होंगे, तो मैंने बहुत सोच के सोचा कि भाई उसमें लेटर में लिखा है कि इलेक्शन तक हम आपको ये सुरक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं, अब मैंने सोचा कि यार अब क्या करें, क्योंकि मुझे पब्लिक में तो जाना और हमारे लोगों की भीड़ में क्या पता कोई दुश्मन खड़ा होकर नुकसान पहुंचा दे और इल्जाम मेरे लोगों पे आ जाए, तो बहुत कुछ साजिशें होंगी ना, जैसे जैसे मैं आप लोगों को एकजुट करने का काम कर रहा हूँ अपनी मेहनत के दम पे, आप अपने बातों के दम पे, अपने विचारों के दम पे, वैसे वैसे बहुत सारे लोग सियासत लोग जमीन की है, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्यों मेरा कत्ल करना चाहते, क्यों मुझे मारना चाहते, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, ये कि मैं इन कमजोर की आवाज उठाता हूँ इसलिए मुझे मारना चाहते, तुम में हिम्मत है तो तुम भी उठाओ, तुमने तो वोट ले लेके तुम मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता बने, तुम भी उठाओ ना, तुम्हें तो अपनी जान भर भर के वोट दिए लोगों ने, तुम क्यों नहीं उठाते, तो वो उठाते नहीं और मुझे उठान देने चाहते, मैं आपसे मदद मांग रहा हूं, बताओ मेरी मदद करोगे नहीं करोगे, अगर करोगे तो दोनों हाथ उठाओ अपने की मदद करोगे, सुबह मेरे घर पे कुछ लोग आए, उन्होंने मुझसे कहा
कि साहब 1,00,000 वोट से जीत रहे। मैंने कहा तुम्हें किसी दुश्मन ने गुमराह कर दिया। बोले क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा मैंने कछुए की और खरगोश की वो कहानी पढ़ी थी बचपन में कि खरगोश में और कछुए में रेस लग गई, तो खरगोश ने सोचा कछुआ क्या मुकाबला कर ले, खरगोश जाके पड़ के सो गया और कछुआ धीरे धीरे जाके मंजिल पहुंच गया। खरगोश की आंख खुली, देखा रेस हार गया। मैंने कहा देखो अति उत्साह में घर मत बैठ जाना और अति उत्साह में ठंडे मत पड़ जाना, क्योंकि इधर आप अपना काम करना बंद करोगे, वो सियासी लोग जो मुल्क में इतने लंबे समय राज कर रहे हैं जिन्होंने बांट के राज किया, वो कोई ना कोई षड्यंत्र कर लेंगे। ऐसा क्या है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री अभी से घूमने लगे? ऐसा क्या हो गया भाई? क्योंकि उनको पता अगर इस सीट पे ये इत्तेहाद हो गया दलितों का, मुस्लिम का, पिछड़ों का, किसानों का, क्योंकि हमने पूरी ताकत लगा के 22 को देख लिया, कुछ भी कामयाबी नहीं मिली, तो उनको पता है अगर ये इत्तेहाद हो गया, ये एकता बन गई, तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसी लहर चलेगी जिस लहर का मुकाबला कोई नहीं कर पाया। क्योंकि आप भी जानते हो इस बात को कि बहन जी भी अब अपने आखिरी दौर में है, राजनीतिक रूप से हाशिए पे जा रही है, जा रही है नहीं जा रही है, तो दलित समाज में भी बहुत चिंता, आप देख लेना पता करके। वो भी ये कह रहे हैं कि हम इसलिए धर्मपाल जी बैठे हैं, ये अपने भाषण में कहते हैं भाई, लोग हमसे पूछते हैं कि भाई तुम इधर उधर क्यों जा रहे थे, तो हम उनको ही बताते हैं कि भाई जब हमारा नेता ही ठंडा पड़ गया, हमारे नेता ने काम करना बंद कर दिया, हम ही क्या करें, अब हम पे नेता आ गया, हम खड़े हो गए, देखो आपसे ज्यादा वोट देंगे देंगे। तो उन्होंने तो अपनी मेहनत करके, अम्पाल जी ने, इन्होंने सत्येंद्र ने, हमारे नेता सत्येंद्र जी, हमारे नेता छोटू सिंह जी, हमारे नेता जो है हरिओम जी, इन्होंने अपनी, इन्होंने तो तैयार कर लिया। मैं आपको तैयार करने आया हूँ, ये आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप इनका साथ दोगे नहीं दोगे। देखो आपने बाबा साहब अम्बेडकर को बंगाल से चुन के भेजा, तब जाके देश का संविधान लिखा गया, कोई नहीं चाहता था। और अगर आप चंद्रशेखर आजाद को चुनके बेचोगे तो संविधान की रक्षा भी बराबर होगी और आपके हक अधिकारों की बात भी होगी, कोई रोक नहीं पाएगा मेरी बात को। आप याद ये जो नारा लगा के खुश कर रहे हो तो फिर ऐसे मेरे साथ संविधान की रक्षा कौन करेगा?